तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर्स के बारे में। जी हाँ, स्लाइसर्स आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि स्लाइसर्स रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्लाइसर्स, स्लाइसर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जिस तरह से आपका जो एक्सेल है, इस एक्सेल के अंदर में अगर मान लीजिए कि कोई अदर तरह की फिल्टर्स लगानी है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल होता है, एक तरह से ग्राफिकल फिल्टर के लिए होता है। क्यों होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या प्रॉब्लम थी जिस कारण स्लाइसर का यूज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए नेम बाय क्वांटिटी का टोटल लगाया, हमने यहाँ पे सिटी और एरिया दे दिया, ठीक है, और MRP का यहाँ एवरेज निकाल दिया। अब यहाँ जो फिल्टर हो गया, इस फिल्टर में जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने दिल्ली में सेंट्रल सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ सेंट्रल का डेटा नहीं है, तो हमें यहाँ कन्फ्यूजन है कि सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ किस में डेटा है। तो मुझे वन बाय वन करके इसको फिल्टर करके चेक करना पड़ेगा, तब जाके मुझे डेटा मिलेगा क्या। तो मुझे पता चल जाए कि भाई इस दिल्ली के अंदर से वेस्ट में डेटा है, ऐसे पता चल जाए, पहली प्रॉब्लम यहाँ पर है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए कि हमने एक ही डेटा पे दो तरह के रिपोर्ट्स बनाए। अब दो तरह के रिपोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए ना कि हमारे पास इसी रिपोर्ट के ऊपर हमें एक विजुलाइजेशन चाहिए, मतलब कि एक चार्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए चार्ट्स लगा दिया। तो चार्ट्स लगाने में प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एवरेज है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और हमारा एवरेज कम अमाउंट में है। तो अमाउंट आप दोनों का चार्ट इकट्ठा बनाएंगे तो आपको सही से विजुअल नहीं हो पाएगा। तो दो तरह के डिफरेंट डेटा है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हो अलग अलग पिवट्स में बन जाए, जिस कारण से अलग अलग चार्ट लगा सकें। तो हम यहाँ दो पिवट बनाना चाहते हैं, एक क्वांटिटी के लिए और एक हमारे MRP के लिए। तो उसको लगाने के लिए यहाँ फिर पिवट टेबल में गए, यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आए और हम यहाँ अपने सीट पे जाके एक अलग लोकेशंस में हमने एक अलग पिवट बना दिया। अब इस पिवट में हमने क्या किया, देखिए नेम वाइज हमने यहाँ पे MRP का एवरेज ले लिया। अब दोनों का अलग अलग चार्ट अच्छे तरीके से विजुअल होगा, राइट। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ मैं अगर JGN सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा ये जो है सिर्फ चार्ट जो है ये जो डेटा है वो डेटा इफेक्ट हो रहा है, हमारा इस डेटा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस पीवर्ड को इस फिल्टर से करेक्शन नहीं है, मतलब कि मुझे दोबारा इसमें नेम और एरिया और सिटी डालना होगा और दोबारा से यहाँ फिल्टर करना होगा। ऐसे अगर 10 पीवर्ड हो गए तो 10 पीवर्ड्स भी इस तरह से करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। क्या राशिद जी, मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सिटी और हटा देता हूँ और यहाँ भी हटा देता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर्स। जिस फील्ड पे आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है, नेम और मुझे सिटी और एरिया पे करना है, और सिटी और एरिया को ले लिया। अब यहाँ देखिए, अब मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वेस्ट हमारा हाईलाइटेड है, ये सारा हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ में डेटा नहीं है। क्लियर है? तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व, बट दूसरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं कि ये चार्ट इफेक्ट नहीं कर रहा, ये जो पिवट है हमारा वो इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अभी इसको कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है पिवट पे, क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ फिल्टर कनेक्शन आपको दिख रहा है। इस फिल्टर कनेक्शन पे आए, एरिया और सिटी को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। अब मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँगा तो दोनों में फिल्टर हो रहा है, हो रहा है सर? ठीक है सर।
देख पा रहे हैं। अब इसका यूज हम लोग अलग सीट पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक सीट अलग बनाया और उस पर मैंने यहाँ पे इंसर्ट एक या चार्ट्स कर देता हूँ मैं इस पर चार्ट्स। इस चार्ट्स को कट करके मैं दूसरे सीट पे ले जाता हूँ जहाँ हमने सीट इंसर्ट किया है, और इसकी फॉर्मेट में आके इसकी डिज़ाइन में आके हम इसकी डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। फिर वापस हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर हम एक अलग चार्ट बनाते हैं, इसको कट करते हैं और कट करके हम दूसरे सीट पे ले जाते हैं। ठीक है, और हम इसको ही नहीं, हम स्लाइसर को भी कट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, कट किया और कट करके हम यहाँ दूसरे सीट पे आ गए। ठीक है, हमने यहाँ दिल्ली को सिलेक्ट किया, देखिए रीजन को सिलेक्ट किया, तो दोनों चार इफेक्ट हो रहा है ना सर। अब एक ही नहीं, जैसे एक पे क्लिक, मुझे दिल्ली रीजन जयपुर तीनों चाहिए, तो क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आइए और तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे होता है कि जैसे मैं स्लाइसर को छेड़ रहा हूँ, हमारा पिवट फिल्टर हो रहा है, पिवट फिल्टर हो रहा है तो हमारा चार्ट इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्लाइसर आपको? जी सर। अब स्लाइसर जरूरी नहीं है पिवट पे इस्तेमाल होता है, स्लाइसर का यूज हम लोग टेबल में भी करते हैं। जैसे मैं इसको टेबल, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाने के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि नेम, सिटी, एरिया और भी जो देना चाहते हो दे सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने पूजा को सिलेक्ट किया, देखिए पूजा का डेटा है, पूजा में जयपुर को सिलेक्ट किया, नॉर्थ दिख रहा है सर। समझे? जी सर। तो इसमें भी आप कर सकते हैं टेबल में भी। अब इसमें एक और फीचर है, वो है स्लाइसर। अब स्लाइसर के बारे में चलते हैं, सॉरी स्लाइसर नहीं, टाइमलाइन, माफ कीजिए, टाइम लाइन। जैसे कि आपको टाइम के ऊपर लगाना हो तो फिर स्लाइसर नहीं इफेक्ट करता है टाइम लाइन। जैसे कि डेट के ऊपर आपको लगाना है, अगर आपने डेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह से ग्रुप होता है, जिसका यूज इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैं मंथ वाइज या मैं क्वार्टर वाइज कर देता हूँ तो क्वार्टरली हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसको भी दूसरे पिवट से कनेक्ट करने के लिए फिल्टर कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्लाइसर, स्लाइसर एंड टाइमलाइन समझ में आ गया आपको? जी सर, थोड़ा टाइमलाइन का थोड़ा दोबारा बताएंगे सर? कुछ नहीं सर, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे डेट, अगर डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना हो तो डेट वाइज आते हैं। तो अगर डेट को अगर इसमें टाइमलाइन में सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या ईयरली चाहिए, जिसमें आप इजीली से डेटा को अपना फिल्टर कर सकते हैं। ये सर कहाँ, उसमें पिवट में दिखेगा ये? जी हाँ, पिवट इफेक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे टाइमलाइन सर? जी हाँ, पिवट ये आपको मिलेगा जहाँ पे स्लाइसर ऐड किया उसी के बगल में। जी 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 ठीक है, ओके सर, ओके।